तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम आए हुए हैं मित्रपुर जलालपुर। यहाँ फूफा के लड़के की शादी है, उसी के बारात में शामिल हुए कि आज मैं आए हुए हैं जलालपुर। यहाँ जो है किस तरह जो है सेहरा पड़ा जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं जहाँ जो है सेहरा पड़ा जाता है। तो गाइस अभी हम लोग देखिए हम लोग की गाड़ी रुकी हुई है यहाँ एक पेट्रोल पंप पे। यहाँ सीएनजी गैस भराई जाएगी, इसके बाद हम लोग चलेंगे रोलपुर। तो आप वीडियो में आज तक बने रहिएगा। तो गाइस अभी देखिए हम लोग जस्ट पहुँच चुके हैं बारात में। पानी पीने वाले फाइनली हम लोग आ गए हैं बारात में या लोअरपुर, जहाँ बारात का इंतजाम किया गया। अब आपको सबसे पहले जो है लोअरपुर की हवेली दिखाएंगे, जो राजा साहब की हवेली है लोअरपुर की, ये बहुत ही मशहूर है। और यहाँ वैसे भी है, हाँ मेरे नानी का भी घर है। तो इसी सिलसिले में आपको जो है ये हवेली दिखाना चाहता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं, कैमरा मैन सामने दिखाओ गेट को। ये आप देख सकते हैं, ये जो है मेन गेट है हवेली का। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पूरा जो है मैदान दिखेगा। बाकी अंदर का लोकेशन तो अभी नहीं है, अभी बंद रहता है। बाकी अब मुहर्रम वाले दिन जब आएंगे तो आपको ये पूरा गेट खुलेगा और पूरा जो है मतलब ये लोग आते हैं और मातम करते हैं, तकरीर करते हैं। तो आप कभी भी मुहर्रम वाले दिन आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सब हमारे जो है बारात के साथी है। देखिए हवेली की बाहर से आ चुके हैं, हम लोग चल रहे हैं अंदर चलते हैं और हवेली में देखते हैं कि वही कुछ है कि कुछ चेंजिंग हुआ है हवेली में। तो आइए अंदर चलते हैं। हो बारात में मौज दिमाग सुतर ये मौजूद आए बड़ा। तो आइए एंट्री करते हैं अंदर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हवेली है लोअरपुर की। आप देख सकते हैं ये मुहर्रम वाले दिन यहाँ जो है मोरा मतलब ये है जंक्शन रहता है। मतलब मुहर्रम में आप आएंगे अगर तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है मातम होता है। देख सकते हैं ये पूरा हवेली जो है लोअरपुर की हवेली है, ये राजा साहब की हवेली मानी जाती है। इसके अंदर का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। मैं जब 10-12 साल पहले यहाँ हवेली में आया था तो मुहर्रम का दिन था। यहाँ जो है सब लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथी हैं बाराती लोग, देखिए एंजॉय कर रहे हैं यहाँ आके, देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो पानी नहीं पिए आप लोग कि नहीं पिए? पानी पी चुके हैं, खाने का इंतजाम हो रहा है आप लोग के लिए, है ना? एकदम
एकदम अच्छा फील। तो गाइस अगर आप कभी भी यहाँ आएंगे लोगों में तो आप ये हवेली का उद्घाटन, हवेली का लोकेशन जरूर देखिएगा। राजा का सिंहासन, चलिए राजा का सिंहासन देखते हैं। यहाँ पर देखिए रास्ता गया हुआ है राजा का सिंहासन। चलते हैं चलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ वही है सब कुछ की कुछ पुराना है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए चलो और आगे चलते हैं। ये मुहर्रम आने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं सब मातम होता है, सीए लोग आते हैं मातम करते हैं, आप देख सकते हैं। और क्या ऊपर नहीं जाएंगे, बस यहीं तक देखेंगे। आप लोग यहीं के रहने, नहीं कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पुराना पुराने नक्शे का देखिए हवेली है, आप देख सकते हैं ये राजे के जमाने की हवेली बनी हुई है जो कि लोरपुर की हवेली है। यहाँ आप मुहर्रम वाले दिन आइए आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो है अंदर का गेट है, देखिए क्या नक्काशी कितना बढ़िया बना हुआ है, ये सब पहले के ज़माने में जो बन चुका है अभी इस ज़माने में नहीं बन पाएगा, आप देख सकते हैं इसका आपका बाहरी हिस्सा आप देखिए कितना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में बना हुआ है ये नक्काशी। ये लोरपुर की हवेली है, ये आप जब कभी भी आप मुहर्रम के दिन आएँगे तो आपको यहाँ पूरा जो है जक्शन रहेगा, मतलब सी ए लोग जो है मातम करते हैं और पूरा महीना मुहर्रम का जो है ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है मातम वाला, आप देख सकते हैं। भूल भलिया के रास्ते जा रहे हैं, यह देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना जर्जर जर्जर सीढ़ी है, पता चला हम नीचे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये पुराना बहुत ही हो चुका है, कभी भी ये जो हवेली गिर सकती है, देख सकते हैं। आइए आइए अंदर अबे भाई। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, चल भैया सब लोग डर गए हैं, यहाँ डरने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। तो आप लोग डर गए? नहीं डर गए आप लोग? नहीं चलिए।